ओम शांति। आज 15 मार्च 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो। प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं, घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है, बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती है, एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पति से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है, आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित है, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर अर्थात शोकता रखते हैं, वो सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है, शिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे से छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं, मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि यहां से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, यह मालूम पड़े कैसे? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। शव को यह राय देना तो अच्छा है ना, यह भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वो तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप करते नहीं हैं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देवीमान का तो पहले नंबर पाप है जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। जितना मामे कम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ, औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पति तो पावन एक है, भल तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो, वह एक ही पति तो पावन है, उनकी बहुत महिमा है, ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफिकल्टी है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, जहां अच्छे सर्विसफुल बच्चे रहते हैं, शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4 से 5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए, सभी उनको याद करते हैं।
कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देहाभिमान के दाग है वो मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं है। कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मनचील है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देहाभिमान है, वो छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंच धंधा है यह। जो खुद याद नहीं करते वो यह धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहां तक पाप भस्म हुए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक की दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं। दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ यह तो है पतित तमो प्रधान दुनिया, सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापिस जाना है, वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती है। जब पवित्र बने तब घर जाए। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे, तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आ करके सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। यह भी समझाया है पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सब के लिए है। जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूं। हर एक अपने को देखे, मैं याद करता हूं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं। कहां भी लिखा हुआ नहीं है, यह बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाड़ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर ही असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती है फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा भी जाता है यह दुखी आत्मा है यह सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है, वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है, सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए कोई मुश्किल याद करता है। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है हियर नो इविल, बंदर के लिए तो नहीं है, यह तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं, तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई न कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे।
तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान उवाच, मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर से, अभी वो अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, कभी कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है, बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्यात्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। यह बाबा भी बता सकते हैं, शकल से ही सब मालूम पड़ जाता है। यह बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है कृष्ण भगवान उवाच, कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते ही नहीं, और ये पतित बन गए हैं, यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है, सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामे कम याद करो, आर्गन से द्वारा बोलते हैं। आर्गन से बिगर तो आत्मा आवाज कर न सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना, परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह न सके। बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूँ परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सब की आत्माएं पतित हैं। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियां हैं। पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं, वो दाग मिटे कैसे? वो समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वो तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है, इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है, मन मना भव, वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो, फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बनो, मामे कम याद करो, बस। यह तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है, बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वो नॉलेज तो फिर भी 15 से 20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट होती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है, ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं, याद की बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, अपने सहयोग से निर्वल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूरत भव। अपने सहयोग से निर्वल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूरत भव। अब वरदानी मूरत द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्वल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। मेजोरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है। यह आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं, उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूरत बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क बोर और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूरत हैं। अच्छा, ओम शांति।